तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो दोस्तों फाइनली Realme C33 जो फोन है Realme C33 जो फोन है गाइस, इस फोन में फाइनली Android 13 अपडेट आने का बात, इसमें गाइस फिर से एक नया अपडेट आ चुका है। सो दोस्तों इस अपडेट का जो साइज है गाइस 210 MB का है। सो दोस्तों अगर इस फोन में अगर कुछ नहीं होता ना तो इतना बड़ा अपडेट नहीं होता, तकरीबन 50 या 60 MB का होता, लेकिन इसमें 210 MB का अपडेट आ चुका है। सो दोस्तों अपडेट का जो वर्जन है ना RMX 3624 13.C.16। सो दोस्तों पहले जो था 13.C.15 था और अभी 16 आ चुका है। सो दोस्तों इस अपडेट में आपको क्या क्या नया चेंजेस देखने को मिल जाते हैं वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस अपडेट में एक्चुअली हमारा एंड्रॉइड 13 का जो वर्क्स वगैरह है वो एक्चुअली फिक्स होगा कि नहीं वो भी इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा। सो दोस्तों आप लोग वीडियो शूट से एंड तक देखना और गाइस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। हेलो दोस्तों मेरा नाम है यूसुफ अली और आप देख रहे हो HM टेक्निकल। सो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे न्यू वर्जन इज अवेलेबल एंड्रॉइड 30 RMX 3624 13.C.16 जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये है Realme C33 और गाइस देख सकते हो 210 MB का जो ये जो अपडेट है। सो दोस्तों इससे पहले इसका जो वर्जन था वो कितना था गाइस वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दोस्तों इससे पहले देख सकते हो RMX 3624 13.C.15 और अभी यहाँ पे 16 आ चुके हैं, मतलब इससे एक ज़्यादा है। मतलब ये जो वर्जन है गाइस ये एंड्रॉइड 13 का वर्जन है। एंड्रॉइड 13 में जो वर्जन चल रहा है ना वो वर्जन ये है RMX 3624/13.C.15। और गाइस अभी जो अपडेट का जो वर्जन है गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, अभी जो अपडेट का वर्जन है गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस RMX 3624/13.C.16, मतलब एक ज़्यादा। सो दोस्तों इसमें एक्चुअली नया फीचर्स क्या है? सो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया फीचर्स वगैरह आया है, क्योंकि इससे पहले एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया है उसमें गाइस बहुत ही नया फीचर्स वगैरह आ चुके हैं। मुझे लगता है कि गाइस इसमें ना वर्क्स वगैरह फिक्स किया गया है। सो दोस्तों लर्न मोर यहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं कि यहाँ पे गाइस क्या क्या आ चुका है। सो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इसमें कुछ अगर आपको कुछ चेंजेस देखा ना तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो दोस्तों मुझे लगता है कि इस फोन में जो मिनी कैप्सल है वो वर्क नहीं करता है और भी कुछ बहुत सारा, मतलब फ्लैश लाइट वर्क नहीं करता है, हैंग प्रॉब्लम, हीट प्रॉब्लम लगता है गाइस वो जो प्रॉब्लम है गाइस इस अपडेट में फिक्स हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हो गाइस इसमें अगर नॉर्मली अपडेट आता है तो सिक्योरिटी पैच के लिए अपडेट आता है तो 50 या 60 MB का आता है और गाइस आज कितना अपडेट है आप 200 MB से भी ज़्यादा, मतलब 210 MB का अपडेट आ चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो इनग्रेट्स द June 2023 एंड July 2023 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी पैच का अपडेट है। यहाँ पे कुछ वर्क्स वगैरह फिक्स यहाँ पे किया है कि नहीं उसके बाद देख सकते हो गाइस, यहाँ पे सिस्टम पे कुछ इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। सो दोस्तों ये अपडेट मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या चेंजेस हुआ कि नहीं, मिनी कैप्सल वगैरह वहाँ पे आता है कि नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मिनी कैप्सल था, सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जाते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नोटिफिकेशन पे यहाँ पे जाते हैं तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मिनी कैप्सल्स का जो सेटिंग है गाइस वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। सो दोस्तों अपडेट करने के बाद गाइस देखता हूँ कि इसमें एक्चुअली मिनी कैप्सल जो गाइस वो आता है कि नहीं। सो दोस्तों अगर मैं बता दूँ जिन लोगों को अपडेट करना नहीं आता तो गाइस सिंपल से यहाँ पे सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम नाम करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपका सॉफ्टवेयर अपडेट का जो सारे का सारे चीजें गाइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों जब तक डाउनलोड हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो दोस्तों अपडेट करने के बाद ही मैं आप लोगों को सारी चीज दिखा देता हूँ। तो गाइस ये फाइनली डाउनलोड हो चुके हैं। सो दोस्तों अभी इनको सिंपल से इंस्टॉल कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे लोडिंग शुरू हो गया। दोस्तों ये फाइनली 100% होने के बाद यहाँ पे वेरीफाइंग हो रहा है तो वेरीफाई भी हम लोग होने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे फाइनली कंप्लीट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों अभी फोन को यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं गाइस इसमें क्या क्या नया चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों फाइनली फोन यहाँ पे हमारा यहाँ पे पावर ऑफ हो चुका है। सो दोस्तों जब तक फोन ऑन हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस यहाँ पे फोन हमारा पावर ऑन यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों अभी फोन ऑन होने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी फोन यहाँ पे ऑन हो चुके और गाइस देखो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पे आ चुके। सो दोस्तों अभी हम लोग फोन को यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे पावर ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको पैटर्न से अनलॉक करना होगा। सो दोस्तों यहाँ पे फाइनल यहाँ पे हम लोग फोन को यहाँ पे अनलॉक कर चुके और गाइस यहाँ पे फाइनल यहाँ पे
देख सकते हो गाइस, अब यहाँ पे सिस्टम का जो फिनिशिंग है वो यहाँ पे अभी तक हुआ ही नहीं और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। और दोस्तों अभी मैं चेक करता हूँ एक्चुअली मिनी कैप्सूल जो है सो अभी यहाँ पे हमारा फोन में यहाँ पे आया कि नहीं। सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इस फोन में एक्चुअली अपडेट जो हुआ है वो एक्चुअली इसमें फिक्स हो गया कि नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली RMX 3624 यहाँ पे 13.3.16 मतलब यहाँ पर हमारा यहाँ पे फोन में यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पे मैं सिस्टम पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे जाता हूँ और गाइस यहाँ पे देखता हूँ कि लेटेस्ट वर्जन एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे वर्जन अप टू डेट मतलब यहाँ पे अपडेट यहाँ पे फुली तरह से हो चुके हैं। और गाइस अभी मैं जैसे मिनी कैप्सूल्स का जो सेटिंग्स है गाइस वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन ओ गाइस यहाँ पे देख सकते हो मिनी कैप्सूल्स का सेटिंग यहाँ पे अभी तक यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन में आया नहीं। मुझे लगता था कि ये जो अपडेट है इस अपडेट में सब कुछ फिक्स होगा बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो गाइस फिर तभी भी है। और गाइस आपको इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं ना गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि मिनी कैप्सूल्स यहाँ पे आता है कि नहीं, मिनी CAPSULE मिनी कैप्सूल यहाँ पे मैं सर्च कर दिया और यहाँ पे आता है कि नहीं ये भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लिया, मिनी कैप्सूल जो है यहाँ पे दिखा रहे बट पता नहीं नोटिफिकेशन के अंदर कहाँ पे मिनी कैप्सूल्स का है। नोटिफिकेशन के अंदर मिनी कैप्सूल है ही नहीं जी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि मिनी कैप्सूल्स का जो सेटिंग है गाइस नोटिफिकेशन के अंदर है बट नोटिफिकेशन के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो गाइस देख सकते हो डायरेक्ट मिनी कैप्सूल्स का जो सेटिंग्स का अंदर इसमें चला जाता है। इससे यहाँ से हम लोग इसको ऑन भी कर सकते हैं बट यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर कोई मिनी कैप्सूल्स का सेटिंग है ही नहीं। जैसे कि मैं गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाता हूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गाइस कोई मिनी कैप्सूल्स का सेटिंग है ही नहीं। सो दोस्तों मुझे लगता था कि इस प्रॉब्लम में सब कुछ फिक्स होगा बट हुआ नहीं। आप लोगों को क्या क्या चेंजेस दिखने को मिला वो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आज के लिए इतना ही था। सो दोस्तों इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस दिखने को मिला गाइस अगर आपको कुछ पता है ना तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करो। और गाइस मिनी कैप्सूल्स क्यों वर्क नहीं करता है वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट कर दो। सो दोस्तों आज का लाइक नहीं था। सो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सो दोस्तों आज का लाइक नहीं, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।